नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि आपके वीवो मोबाइल में गलती से किसी नंबर पे होल्ड हो जा रहा है, वो ऑटोमेटिक नंबर कोई ना कोई डायल हो जा रहा है, तो उस नंबर को आप हटाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलिंग में चले जा रहे हैं और दो नंबर पर देर तक दब गया, तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं एक नंबर डायल हो गया। तो इस तरह से आप इस नंबर को, स्पीड डायल नंबर को आप हटाना चाहते हैं यानी बंद करना चाहते हैं, फिर कैसे हटाएंगे या कैसे बंद करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कोने में यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है यानी तीन बिंदु, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ कॉल सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से फिर ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं स्पीड डायल, इस पर हम क्लिक करेंगे और देख सकते हैं स्पीड डायल पर ये दो नंबर पर लिखा है यहाँ पर, ये सेट हो चुका है। तो इसको हटाने के लिए इस पर देर तक दबाएँगे और दबाने के लिए उसके बाद से यहाँ से डिलीट कॉन्टैक्ट दिख रहा है तो डिलीट कॉन्टैक्ट वाले पर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट दिया है तो डिलीट कॉन्टैक्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डिलीट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे तीन नंबर पे भी एक नंबर सेट है, तो इसको भी हटाने के लिए इस पर हम डिलीट तक दबाएंगे और दबाने के बाद से यहाँ से देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ गया है, डिलीट कॉन्टैक्ट, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये हट गया है। तो इस तरह से आप स्पीड डायल नंबर को हटाना चाहते हैं वीवो मोबाइल से तो बड़ी आसानी से आप हटा सकते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।